जब शिवजी भगवान ने एक बेटी को लौटाई उसकी माँ, जाने आखिर क्या था पूरा रहस्य। आप देख रहे हैं ज्योतिष बेस्ट उपाय। कुछ समय पहले की बात है, रामपुर गांव में एक सोनम नाम की लड़की रहती थी। उसके माता पिता काफी कम उम्र में ही इस दुनिया से चले गए थे। ऐसे में सोनम को कोई नहीं था, इसीलिए रिश्तेदारों ने निर्णय लिया कि सोनम की मौसी के पास कोई बच्चा नहीं है। वो काफी समय से बच्चे के सुख से वंचित है, तो इस तरह सोनम की मौसी प्रीति को बच्चे का सुख भी प्राप्त होगा और सोनम अपने घर में सुरक्षित रहेगी। ये निर्णय सोनम और उसकी मौसी प्रीति दोनों को ही मंजूर था। सोनम की मौसी दूसरे गांव में रहती थी, इसलिए सोनम के माता पिता का सारा क्रियाकर्म करके वह अपने घर की ओर चले गए। कुछ समय तक तो सोनम को उसकी मौसी ने बहुत अच्छे से रखा, लेकिन एक साल के बाद उनमें अचानक से ऐसे बदलाव आया जिसको सोनम भी नहीं जान पाई। सोनम को ऐसे लगने लगा जैसे कि उसकी मौसी अब उससे नफरत करने लगी है। जिस तरह वह पहले सोनम के साथ हंसी खुशी रहती थी, अब उतना ही उससे मुंह फुलाकर रहती है। सोनम ने सारी बातों को जानने की कोशिश की और मौसी से अपनी गलतियों के बारे में बोला, तो मौसी ने कहा कि मैं अकेले पूरे घर का काम करते करते थक जाती हूँ, मेरे हाथ पैरों में दर्द होता है, अब उम्र बढ़ती जा रही है और शारीरिक समस्या होती जा रही है। ये सब बातें सुनकर सोनम ने कहा, मौसी कल से सारे घर का काम मैं करूंगी, आप आराम करो। ये सुनकर सोनम की मौसी बहुत खुश हुई और सोनम को प्यार से गले लगाया। अगली सुबह सोनम अपने घर के काम में जुट गई। वहीं उसकी मौसी पूरा दिन खाना पीना और आराम करने लगी। कुछ समय तक ये चलता रहा। अचानक एक दिन सोनम की तबीयत बिगड़ गई, वो घर का काम नहीं कर पाई। ये देखकर सोनम की मौसी ने कलेश कर दिया और उसकी तकलीफ को नाटक का नाम दिया। उस समय सोनम को काफी बुरी तरह से पेट में दर्द हो रहा था। सोनम की हालत तब इतनी बुरी हो गई कि ये देखकर सोनम के मौसा उसे अस्पताल ले गए। वहां जाकर पता चला कि सोनम को पथरी है, जिसके कारण उसे असहनीय दर्द हो रहा है। उसके मौसा ने सारी दवाई करवाई। अब मौसी के जुल्म धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब तो सोनम की मौसी उसे कहीं भी कभी भी मारने लगती थी। इन सब बातों से सोनम काफी परेशान रहे। एक बार महाशिवरात्रि के समय एक बाबा सोनम की मौसी के घर आटा मांगने आए। सोनम ने रोते रोते आटा दिया, क्योंकि कांच का गिलास टूट जाने पर उसकी मौसी ने उसे बहुत मारा था। ये देखकर बाबा ने कहा, कन्या मैं तेरी किसी भी समस्या के बारे में जानना नहीं चाहता, बस एक रास्ता दिखाऊंगा जिस पर चलकर तेरी सारी समस्या हल हो जाएंगी। सोनम ने पूछा कि वो कैसे। तब बाबा ने बताया कि आज महाशिवरात्रि है, तुम आज से ही शिवजी की पूजा करना शुरू कर दो। शिवजी की सेवा करने से तेरी हर समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि वह भोले भंडारी हैं। किसी भी जरा सी भक्ति से वह प्रसन्न हो जाते हैं। तू भी यदि उनको मनाएगी तो तेरे भी दिन पलट जाएंगे। जब भी तू परेशान होगी तो शिवजी भगवान तुझे बचाएंगे। बाबा की ये बात सोनम के दिमाग में बैठ गई और वह रोजाना शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करने लगी और हर सोमवार व्रत रखने लगी। नियमित रूप से वह शिवजी भगवान की पूजा अर्चना करने लगी और भक्ति के इस मार्ग में उसका मन लीन होने लगा। इसके बाद सोनम की मौसी की तबीयत खराब रहने लगी। वह बीपी की बीमारी से ग्रस्त हो गई। धीरे धीरे कई बीमारियों ने उसे घेर लिया। अब तो बिस्तर पर से वह नहीं उठ पा रही थी। सोनम ही अपनी मौसी की देखभाल करती और घर की सारी जिम्मेदारियां भी उठाती। घर और मौसी के प्रति इतना लगाव देखकर एक दिन प्रीति ने सोचा कि मैंने इस लड़की के साथ इतना गलत गलत किया है, फिर भी यह मेरी सेवा एक बेटी की तरह कर रही है। यह सोचकर प्रीति काफी शर्मिंदा होने लगी। एक दिन रोते रोते प्रीति ने सोनम को अपने गले लगाया और कहा कि बेटा तू इतनी अच्छी कैसे है। सोनम ने कहा, मौसी आप ठीक हो जाओगी तो आप तो मेरी माँ जैसी ही है, तो ये मेरा फर्ज है। अब सोनम रोजाना मंदिर जाकर अपनी मौसी के लिए मन्नत मांगने लगी ताकि वह जल्द ही ठीक हो जाए, और मौसी से कहा आप रोजाना शिवजी का नाम मन ही मन जपें, जल्द ही शिवजी भगवान आपको ठीक कर देंगे। सोनम की मौसी वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे वो भी ठीक होने लगी और सोनम के साथ शिवजी भगवान के मंदिर जाने लगी। अब सोनम की मौसी में अचानक इतना बदलाव आ गया कि सोनम को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करने लगी, वहीं उसके साथ अच्छा व्यवहार भी करने लगी। सोनम और उसकी मौसी एक साथ रोजाना शिवजी की पूजा करने लगे और साथ ही खुशहाली वाला जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस तरह भगवान शिव ने एक बेटी को लौटाई उसकी माँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।